एक आसन आश्रम पर एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें शोभा यात्रा के संयोजक का चयन किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। यह तस्वीरें एक आसनंद आश्रम के सत्संग भवन की तस्वीरें हैं। यहाँ नववर्ष महोत्सव समिति की आवश्यक बैठक बुलाई गई थी। बैठक महामंडलेश्वर श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती महाराज के पावन सानिध्य में की गई, जिसमें बताया गया कि भारतीय जनमानस में अपनी खोई हुई संस्कृति के प्रति फिर से जो उल्लास पैदा हुआ है, उससे लगता है कि भारत फिर से विश्वगुरु हो जाएगा। इसी के चलते चकाचौंध में हम अपने त्योहारों और संस्कारों को भूलने लगे हैं, किंतु अब भारतीयों का रुझान ने मूल त्योहारों की ओर वापसी करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो कि बीते 9 वर्षों से हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की श्रृंखला लगातार जारी है। इसी कड़ी में इस बार भी 22 मार्च के दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, और इस शुरुआत को बेहद भव्य तरीके से मनाने के लिए एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि प्रतिवर्ष शोभा यात्रा निकाली जाती है और प्रतिवर्ष शोभा यात्रा का रूट विशाल और भव्य होता है, इस वर्ष भी विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए संयोजक के रूप में महामंडलेश्वर श्री हरिहरानंद सरस्वती जी ने अनिल राजपूत को चुना है और उनको संयोजक के रूप में फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अनिल राजपूत के नेतृत्व में नववर्ष की शोभा यात्रा विशाल और भव्य निकाली जाएगी। बैठक में स्वामी हरिहरानंद सरस्वती महाराज द्वारा क्या कुछ बताया गया और शोभा यात्रा के संयोजक ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। संयोजक का चयन करके दें तो हमें लगता है ज़्यादा अच्छा निर्णय होगा। तो ऐसा विगत कई वर्ष से हम एक नए संयोजक की खोज करके समाज के एक बालक को हम अडॉप्ट करते हैं और उसको संयोजक के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। उसी तरह उसी परिप्रेक्ष्य में उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस वर्ष श्री अनिल राजपूत, जो हमारे नगर के ही हैं, युवा हैं, व्यवसायी हैं और बहुत अच्छे उत्साही हैं, तो इस बार जिम्मेदारी अपने इनके कंधों में दी है। इनके बाद बहुत अच्छी टीम है, ये अपने पूरे टीम के साथ नववर्ष महोत्सव मनाएंगे और हम हमारे समस्त संगठन पूरा समाज इनके साथ है। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर नववर्ष को खूब धूमधाम के साथ मनाएंगे। हमारा प्रयास यही है कि जिस तरह से हम होली के लिए होली पर्व मनाते हैं, होली पर्व के लिए कोई किसी को चिट्ठी पत्री नहीं भेजता, दीपावली के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं जाती है कि फला दिन दीपावली है, रक्षाबंधन के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी जाती है कि उस दिन रक्षाबंधन है, इसको मनाया जाए। समाज में इन पर्वों की इतनी महत्ता हो गई है कि आज का जनमानस इन पर्वों को स्वतः मनाता है। तो हमारा ये प्रयास है इस नववर्ष को मनाने के पीछे, और हम यही अपील करते हैं समाज से कि जिस तरह से हमारे अन्य मान्य त्यौहार हैं, बड़े बड़े त्यौहार, हमारा नववर्ष भी की भांति इस वर्ष भी हम लोग अपना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस वर्ष विक्रम संवत 2080 की शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाल रहे हैं। हम जैसा सभी को मालूम है, स्वामी महाराज हरिहरानंद सरस्वती जी के सानिध्य में यह यात्रा हमेशा निकलती आई है, उन्हीं के सानिध्य में इस वर्ष भी यात्रा निकल रही है। यात्रा में इस बार इस शोभा यात्रा का जो संयोजक बनाया गया, इसके लिए मैं पहले तो महाराज जी, जिला प्रचारक जी अपने और संचालक जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, और हर वर्ष से इस वर्ष भी बहुत ही भव्य एक शोभा यात्रा का आयोजन होगा।